दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज गणतंत्रता दिवस के मौके पर आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज कुछ रोचक तथ्य आप लोगों के साथ मैं साझा करूंगा। जैसे आप सभी को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था और उसी दिन हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन हुआ और उनका कार्यकाल शुरू हुआ, जो 1950 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1962 तक अपना कार्यकाल, अपना पद संभाला। 1950 में ये कुछ झांकियां आपके सामने, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू 24 जनवरी 1950 को संविधान पे हस्ताक्षर करते हुए और दो दिन के बाद हमारा संविधान लागू हुआ, जो 26 जनवरी 1950 में है। मैं अपने कुछ विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यहाँ आप लोग देख रहे हैं हमारे देश की सेना, और दो ही बड़े स्तंभ हैं हमारे देश को जो संभाले हुए हैं, एक जवान है और एक किसान है। इन दोनों ही स्तंभों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। हमारे देश की सेना का जज्बा देखते ही बनता है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के किसान, जो पूरे देश के अन्नदाता के रूप में जाने जाते हैं, यही किसान हैं जिनकी वजह से आज हमें गेहूं, चावल और ना जाने कितने ही तरह का अनाज खाने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ हम नहीं भूल सकते उन सैनिकों को, देश की आर्मी को, जो सियाचिन जैसे कम तापमान, बेहद कम तापमान वाले इलाकों में भी डटकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे तापमान वाले इलाके जहां अगर आप अपनी उंगली से बंदूक छू भी लें तो आपकी उंगली उससे चिपक कर जम जाएगी, वहां ये लोग दिन रात हमारी रक्षा कर रहे हैं, और वहां भी हिंदुस्तान का झंडा सबसे ऊपर लहरा रहे हैं। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारी भारतीय सेना को। और इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान और जय किसान का उद्घोषणा करते हुए हम इस वीडियो में आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आपसे विदा लेते हैं।